इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, दिल की धड़कनें थाम लें, जो काम निपटाना है निपटा लें। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक घंटे बाद मैदान में उतरेंगी। बाबर आजम दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक के साथ भारतीय सूरमाओं पर झपटेंगे। रोहित शर्मा को भी बेहतरीन बैटर्स की मदद हासिल। भारत के खिलाफ आखिरी 3 मैचेस में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। शायकीन के लिए अच्छी खबर, अरमान पानी में बहने का खदशात कम से कम हो गए। आसमान साफ, बारिश का खतरा टल गया। हमें भी पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी अच्छी है, हमें पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमें चैलेंज करेगी और हमारे बैट्समैन भी रेडी रहेंगे उस चैलेंज के लिए। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ भारतीय कप्तान के लिए डरावना ख्वाब। रोहित शर्मा पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक से परेशान, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास शादाब खान जैसा जादूगर स्पिनर मौजूद। शाहीन आफरीदी भी रिदम में आ गए। बाबर आजम कहते हैं पाकिस्तान टीम हर खतरे से निमटने को तैयार है, भारत के हर खिलाड़ी के खिलाफ प्लान तैयार है। हाथ में नहीं है और जो भी होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा, और जितना भी मैच हो, जो भी सिचुएशन हो, उसके लिए रेडी, एज अ प्रोफेशनल आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ता है और रहना पड़ता है। हारने की वो प्रैक्टिस है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारने की उनको प्रैक्टिस है। रिवलरी मतलब मैच के दिन होती है, लेकिन जब मैच खत्म हो जाता है फिर यू नो वी आर बैक टू नॉर्मल। खाना फिर भी खाते हैं। पाकिस्तान जीतेगा? नहीं नहीं, भारत जीतेगा। पाक भारत मैच के लिए एक जोड़े की दिलचस्प नोकझोंक। पाकिस्तानी बीवी और भारतीय शौहर अपनी अपनी टीम के लिए दुआ गो। अहम तरीन मैच से पहले शायकीन क्रिकेट का जोश खरोश काबले दीद। मेलबर्न में मेले का समा। मैच देखने के लिए पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में स्टेडियम आमद। कहते हैं पाकिस्तान टीम आज जरूर परफॉर्म करेगी। ना इश्क में ना प्यार में जो मजा है इंडिया की हार में। बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे, एथे मेलबर्न इंडिया पाकिस्तान दा मैच है ते असी टिकला बढ़िया मैं गया। पाकिस्तान जीतेगा। When the greatest rivals collide, the world will stand still. This is more than just a cricket match. रेसलिंग की दुनिया में तहलका मचाने वाले साबिक रेसलर रॉक भी पाक भारत मैच के मुंतजर। कहते हैं दोनों हरीफ जब आमने सामने होते हैं तो ये मुकाबला क्रिकेट मैच से बढ़कर हो जाता है। पाकिस्तान और भारत का मैच सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बन गया। परिस्तारों और साथ ही खिलाड़ियों के कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात। यूनुस खान, इमाद वसीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का हौसला बढ़ाया। सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, आबिद अली पाकिस्तान टीम की जीत के लिए दुआ गो। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों को मैच का बेसब्री से इंतजार। इंशाल्लाह अगर तो हमारी ओपनर पार्टनरशिप वही जाती है सेम जिस तरह पहले हमारे जाते हैं कप्तान बाबर आजम और रिजवान, नो डाउट कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन यह कि थोड़ा सा उनको पावर प्ले पे सर्वाइव करना चाहिए। दो प्लेयरों को उनको आउट करना है, इनको, एक सूर्य कुमार यादव को और दूसरा रोहित शर्मा को। बाकी जितने मर्जी वो खेलने वो इस पेस से नहीं खेल सकेंगे कि पाकिस्तान को वो इतना ज़्यादा हैवी चांस दे सकें कि पाकिस्तान चेज ना कर सके। पंजाब में सियासी हलचल मचने को तैयार। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में डेरा। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पंजाब में मुमकिन सियासी सेटअप पर बात होगी। दोनों जमातों के दरमियान सियासी इत्तेहाद पर भी गौर होगा। जिसने ये चोर डाकू 6 साल दिन रात इल्जामात लगाए, आज वो सर्टिफाइड चोर निकला, सर्टिफाइड खान निकला। ये कोई खुशी का लम्हा नहीं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। करप्ट प्रैक्टिसेस के नतीजे में कल उनके खिलाफ ये फैसला आया। इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को खराब किया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने ये आज तक नहीं सुना कि घड़ी बेच दी और पैसे जेब में डाले। इमरान खान सर्टिफाइड चोर साबित हो गया। किसी चोर को इस्लामाबाद में नहीं घुसने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इमरान खान के खिलाफ फैसला खुशी की बात नहीं, लम्हे फिक्रिया है। बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ बेचने से पाकिस्तान की बदनामी हुई। फैसले के बाद PTI का रुकन भी नहीं निकले। इमरान खान ने मजबूरी में एहतजाज की कॉल वापस ली। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, इंतखाबात 11 माह बाद ही होंगे। पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, खास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने
इख्तियार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुम्मे को कर दूंगा, इमरान खान का ऐलान। बोले उन्हें पूरा यकीन है हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी। पाकिस्तान तेजी से दलदल में जा रहा है, वाहिद हल सिर्फ इलेक्शंस हैं। मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इमरान खान ने कहा। शहबाज गिल पर तशद्दुद का अज खुद नोटिस लिया जाता तो शायद आजम स्वाति के साथ ये सलूक ना होता। प्रोपेगेंडा नाकाम, हमसाया मुल्क चीन में तारीख रकम हो गई। शी जिनपिंग को मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब कर लिया गया। शंघाई पार्टी के चीफ ली चोंग वजीर आजम होंगे। सदर शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर में कहा, दुनिया को चीन की ज़रूरत है, चीन भी दुनिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मरी में स्कूल बस को हादसा, गाड़ी पहाड़ से टकरा गई, ड्राइवर जाम बहाक, मुतादिद बच्चे जख्मी। बच्चे सैरो तफरी के लिए गुजरात से मरी आ रहे थे। गुजरांवाला में आलम चौक के करीब बजरी से भरा डंपर नाले में जा गिरा, ड्राइवर समेत दो अफराद जाम बहाक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आए। लाहौर के इलाके सुंदर में 25 साल खातून का कत्ल, मरियम का तेज धार आले से गला काटा गया, लाश कमरे से मिली, तहकीकात जारी। कराची के स्टेडियम रोड पर समाजी तंजीम अलकादर वेलफेयर के दफ्तर में डकैती, चार मुसल्लह डाकुओं ने अमले को लूट लिया, चंदे की रकम भी ले उड़े, वाके का मुकदमा दर्ज। गुजरात में लूट मार करने वाले 6 मुलजमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए, 1 करोड़ रुपए से जायद का मसरूका सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान जीटी रोड पर डकैती की वारदातें करते थे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सुपर 12 श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी, 129 रन 15वें ओवर में पूरा कर लिया। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने मेलबर्न में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड वसूल कर लिया। कहते हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले अवार्ड मिलना एजाज होता है। अवार्ड सैलाब मुतासरीन के नाम कर दिया। और बर्तानिया में समा न्यूज लंदन की ऑफिशियल लॉन्चिंग तकरीब, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड कुर्बान समेत बर्तानिया भर की कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत।